बेशक आज के समय में हर व्यक्ति एक लीडर बनना चाहता है, बनना भी चाहिए, क्योंकि लीडर्स की बहुत ही आवश्यकता है, चाहे वह समाज हो, राजनीति हो, या बिजनेस हो, या आप किसी कंपनी में अच्छे जॉब पे हो। लीडर्स दरअसल एक दिलचस्पी है, यह एक चॉइस है, यह एक जिंदगी का चुनाव है। कोई लीडर बनकर खुद पैदा नहीं होता है, बल्कि वह अपने आप को डेवलप करता है, लगातार कोशिश करते रहता है, अपने को अभिव्यक्त करता है। लीडर्स के लिए उनका जीवन किसी प्रतियोगिता के तरह नहीं होता है, बल्कि एक फूल की तरह खिलता हुआ होना चाहिए, और ऐसा ही होता है। लीडरशिप की राह में शिक्षा और समाज जैसे बहुत सारे रोड़े आ जाते हैं, खास करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए कहा जाता है कि हम लर्निंग की सही परिभाषा समझ जाएं तो असल में लीडर बन जाएंगे, क्योंकि हर जगह लीड करने की जरूरत पड़ती है, जिम्मेदारी लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति अथॉरिटी तो जरूर चाहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता है। अब लर्निंग की प्रक्रिया वो होती है जिसके दौरान हम केवल वो ही याद रखते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। लीडर बनने का मतलब खुद के लिए मूल स्वभाव को अपनाना भी होता है, जो आपका खुद का स्वभाव है, किसी दूसरे के द्वारा थोपा नहीं गया हो। लीडरशिप के साथ तार जोड़ना भी है, क्योंकि इसी तरह आपका नजरिया बनता है। जब लोग ये बोलते हैं कि उनमें लीड करने की काबिलियत है, या कहते हैं कि वे कभी भी लीड करना नहीं चाहते हैं, तब उनके दिमाग में मैनेजमेंट और स्पीच देने जैसे विचार चल रहे होते हैं। उन्हें लगता है लीडरशिप का मतलब केवल मैनेजमेंट या स्पीच देना है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लीडरशिप भी लोगों को कई तरह से, कई प्रकार की हो सकती है। लीडर में ये सभी गुण होते हैं। सबसे पहला, लगातार सीखने की चाह और उत्साह, लोगों को अपना नजरिया समझाना व उन्हें लगातार प्रेरित करना, अनिश्चितता को स्वीकारते हुए लगातार जोखिम लेते रहना, रिस्क लेना और साहस दिखाना। साहस, अच्छे लीडर्स हमेशा साहसी होते हैं, दुस्साहसी कभी नहीं होते हैं। आलोचना स्वीकार करते हैं, अच्छे काम की क्रेडिट तो लेते ही हैं, लेकिन कोई काम बिगड़ गया तो उसकी भी क्रेडिट लेने से डरते नहीं हैं। सब कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर सोच विचार करने के लिए भी अलग से समय निकालना जरूरी होता है। जीवन जीने का जुनून, खुद के लिए और दूसरों के लिए सबसे बेहतर करने का जज्बा होना ही लीडर होने का पहचान। छोटी छोटी खुशियों और सफलताओं का आनंद लेते रहना, और बड़ी सफलता मिलने का इंतजार कभी नहीं करना। आज दुनिया को समझदार व काबिल लीडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने इस गलतफहमी को तोड़ने की कोशिश भी की है कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं। लीडरशिप भी दरअसल एक चॉइस है जिंदगी का। सबसे पहले हम खुद को लीड करना सीखते हैं। हर इंसान अपने अंदाज में लीडरशिप कर सकता है। इन दिनों जिस कदर लीडरशिप सीखने के लिए लोग तेजी से आगे आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये प्रतियोगिता अभी बहुत लंबी चलेगी और खूब आगे बढ़ेगी। नए लीडर्स केवल जॉब करके या अपनी कंपनी शुरू करके ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे दुनिया के समक्ष अपना व्यक्तिगत नजरिया जाहिर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब कंपनी भी सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी रखने की कोशिश के तहत पैसे और ओहदे के अलावा भी बहुत कुछ देखने की इच्छा रखती है, जिसमें कि एक लीडरशिप क्वालिटी है। कंपनी अब अपने कर्मचारियों को इतिहास रचने की मौका भी देती है। उदाहरण के तौर पर इंटरनेट रिटेलर अमेज़न का संदेश है, खूब काम करो, खूब खेलो और दुनिया बदलो। राजनीति में भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों की कमी नहीं है, किसी देश और समाज में लोगों की कमी नहीं है, कमी तो है अच्छे नेतृत्व की। जिस समाज में नेतृत्व बहुत अच्छा होता है, वह समाज सबसे सुंदर और सबसे आगे होता है। अतः मैनेजर्स की नहीं, बल्कि लीडर्स की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो नहीं होते हैं, उनके विचार दूसरों पर आधारित होते हैं,
उनका जीवन किसी का नकल होता है और उसका जुनून भी केवल शब्दों तक ही सीमित होता है। अतः इस भ्रम को तोड़ करके थोड़ा पार जाइए, दूसरों के विचारों के बजाय अपने विचार पे काम कीजिए, अपने स्वभाव से जिंदगी जिए और वह जोश और जुनून आपका हो और अंदर गहराई से निकलता हो और जीवन में उतरता हो, न कि शब्दों तक ही हो। यही लीडरशिप है, यही लीडरशिप क्वालिटी है और इससे ही आप जीवन में लीड करते हैं, एक लीडर्स बन सकते हैं, बल्कि पैदा होना जरूरी नहीं है।